तो आप सब कैसे हो। आज हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग बच्चों एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। पहला जो इसमें टॉपिक पढ़ना बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या पढ़ना बच्चों? इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का पहले डेफिनेशन लिखते हैं। ए फंक्शन इज सेड टू इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। किसी भी फंक्शन को बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन कब बोलेंगे? जब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आएगा बच्चों जीरो से क्या होना चाहिए, या तो जीरो आना चाहिए या तो जीरो से अधिक आना चाहिए। फॉर एक्स क्लोज इंटरवल ए बी, जो क्वेश्चन के अंदर बच्चों दिया रहेगा, तो ध्यान रखना है कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो पहला कंडीशन ध्यान रखना है कि उसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करने का जो रिजल्ट आना चाहिए या तो जीरो आना चाहिए या तो जीरो से अधिक आना चाहिए। दूसरा बच्चों जो इसमें टॉपिक पढ़ना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे अंडरलाइन करें बच्चों, स्ट्रिक्टली है। जब स्ट्रिक्टली बोलेगा तो सेम लॉजिक लगाएंगे, लेकिन इसमें इनइक्वालिटी का साइन नहीं रहेगा। इसमें क्या बच्चों, इक्वालिटी है, इसमें इक्वालिटी नहीं है। और इसमें क्या क्लोज इंटरवल है, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ओपन इंटरवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल। ओपन और क्लोज में क्या फ़र्क है बच्चों? ओपन इंटरवल में इन दोनों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, बीच का क्या करते हैं, पॉइंट को लेते हैं। और क्लोज इंटरवल में क्या करते हैं बच्चों? क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट तो लेते हैं, साथ साथ जो बीच का पॉइंट है उसको भी क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है बच्चों, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, एफ डैश एक्स का जो रिजल्ट होता है या तो जीरो होगा या तो जीरो से क्या होगा, छोटा होगा। कब बच्चों? एक्स का जो रिजल्ट होगा इसमें क्लोज इंटरवल ए और बी, क्वेश्चन के अंदर बच्चों दिया रहेगा। चौथा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इसमें हो जाएगा बच्चों, एफ डैश एक्स का जो रिजल्ट होगा वो लेस देन जीरो, इसमें इक्वालिटी क्या हो जाएगा बच्चों, हट जाएगा। कब होगा? इसमें क्या यूज होंगे, होगा ओपन इंटरवल होगा। क्या होगा? ओपन इंटरवल। फिर से रिपीट करते, ओपन इंटरवल बच्चों इन दोनों पॉइंट को क्या करते हैं, छोड़ देते, बीच को पॉइंट को लेते हैं। और इस वाले में इन दोनों पॉइंट को लेने के साथ साथ क्या करते हैं बच्चों, बीच वाले पॉइंट को भी कंसिडर करते हैं। अब इसी चारों थ्योरी से क्या करते हैं बच्चों, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं बच्चों। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का स्टेप को बताते हैं, स्टेप को ध्यान रखना है। जो भी फंक्शन बच्चों दिया रहेगा उसको क्या करेंगे बोले, लेट करेंगे। लेट y इक्वल में जो भी फंक्शन उसको एफ एक्स करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, और डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में कह लेते हैं एफ डैश एक्स। उसका ये बच्चों फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन को जीरो करेंगे। पुट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में जीरो। यहाँ से क्या होगा बच्चों, एक्स का रिजल्ट आएगा। एक्स का जो रिजल्ट मान लेते हैं तीन है, ए बी सी, और यही पॉइंट का होता है बच्चों क्रिटिकल पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, नंबर लाइन पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो नंबर लाइन पे क्या होता है, यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट और यहाँ पे प्लस इन्फाइनाइट। मान लेते हैं बच्चों सबसे छोटा क्या इसमें ए है, उसके बाद क्या है उससे बड़ा क्या है बी है, उससे बड़ा क्या है सी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट को क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन में रखेंगे, एफ डैश एक्स में रखेंगे। और एफ डैश एक्स का रिजल्ट क्या आता है बच्चों, प्लस आता है। क्या आता है? प्लस आता है। उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या करेंगे बच्चों, एफ डैश एक्स में कोई रिजल्ट रखेंगे, उसका रिजल्ट बच्चों अगर निगेटिव आता है, फिर इसके बीच में रखेंगे, इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इसके बाद इसमें कोई बीच का पॉइंट रखेंगे, उसमें क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ध्यान रखना बच्चों, जिस इंटरवल में प्लस आता है, तो इस इंटरवल में, जिस इंटरवल में प्लस आएगा वह फंक्शन क्या होगा बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन को बताएगा। और जहाँ जहाँ निगेटिव आ रहा वह क्या बताएगा बच्चों, डिक्रीजिंग फंक्शन को बताएगा। इतना ध्यान में रखना है। अब इसी कंसेप्ट को क्या करेंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 6.2 में। बच्चों 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ, सो डैट द फंक्शन गिवेन बाई एफ एक्स इक्वल में 3x+17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। r का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे रियल नंबर है, और अंडरलाइन करें बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जो भी बच्चों फंक्शन दिया हो पहले उसको लिख लेंगे। फंक्शन क्या गिवेन है बच्चों, एफ एक्स इक्वल में 3x+17। पहले क्या करें बच्चों, फंक्शन को लिखेंगे। फंक्शन है यहाँ पे एफ एक्स इक्वल में 3x+17। उसके बाद क्या करें बच्चों, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग
बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, फंक्शन क्या है एफ एक्स, और यहाँ पे बच्चों कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे डी एक्स अपॉन डी एक्स, और उसके बाद पहले इसका करेंगे फिर कांस्टेंट का करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स और 17। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों एफ डैश एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव को बोलते हैं बच्चों, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन होता है, कांस्टेंट का क्या होता है जीरो होता है। तो एफ डैश एक्स का मतलब हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आ गया बच्चों थ्री आ गया, क्या आ गया अब थ्री आ गया। इसमें क्वेश्चन में बोला बच्चों कि जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा कब, फॉर रियल नंबर के लिए, रियल नंबर का होता है कुछ भी रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर कोई भी रिजल्ट रखें बच्चों, वन अगर रखते हैं एक्स का जगह पे तो क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या कांस्टेंट है तो थ्री हो जाएगा, अगर दो भी रखेंगे तो फिर भी क्या आएगा थ्री आएगा क्योंकि फंक्शन क्या है कांस्टेंट है। अगर एफ का रिजल्ट माइनस भी रखेंगे फिर भी क्या आएगा बच्चों अब कांस्टेंट आएगा, थ्री क्या है जीरो से ज़्यादा, थ्री क्या बच्चों जीरो से अधिक है, तो यहाँ लिख देंगे जीरो से अधिक है। अगर जीरो से अधिक होता तो फंक्शन का तो बच्चों इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता क्योंकि क्या है यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या बच्चों जीरो से अधिक है, यहाँ पे कांस्टेंट आ हुआ है, और जब कांस्टेंट रहता है तो एक्स का कोई भी रिजल्ट रखेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए फंक्शन क्या बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि जो डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आया बच्चों क्या है जीरो से अधिक है।